बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हाजी हनीफ साहब मौजूद हैं, आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और ये बिल्कुल एक हकीकत है कि आपने जिस तरह अपना नाम बनाया सियासत में, एक ग्रास रूट से कौंसल की हैसियत से आप आए और अपना नाम बनाया आपने, और आज अपना इलाका जो अंदरून शहर है वहाँ पर हर दिल अजीज शख्सियत माने जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ साहब। हाजी हनीफ साहब, आपकी जो मोहब्बत है मुस्लिम लीग नून से, इनके कायदीन से, इसे आप बताएं, कैसे आप महसूस करते हैं? सबसे शुक्रिया आपका पहले जनाब सलीम भट्ट साहब कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके टेलीविज़न के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। आपने मुस्लिम लीग की बात की, आज पाकिस्तान का हर बच्चा, नौजवान, माएँ बहनें सब इस बात की गवाह हैं कि जो काम मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ वो आज नहीं हुआ। आज इस पाकिस्तान का हर आदमी, ख़ा वो किसी भी शोबा से तल्लक रखने वाला है, परेशान है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड आर्डर के मसाइल हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी ही परेशानी का आलम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि ये जब से ये 18 माह में ये नई मनूस हुकूमत पाकिस्तान पर आई है, हर आदमी परेशान हो गया है। कोई भी आदमी किसी भी शोबा से आप ले लें, उससे बात करें, कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि जी मैं हैप्पी हूँ, अपने बच्चों का रोज़गार आसानी से कमा रहा हूँ। हर आदमी हर शोबे से परेशानी के आलम में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन हुक्मरानों को हदायत दे कि ये जो वादा करके आए थे कि हम इस मुल्क के अवाम के लिए कोई अच्छी खुशखबरी और अच्छी खुशखबरी की नवीद लेकर आएंगे, वो आज नहीं है। अल्लाह करे इस मुल्क में कोई इस तरह का कोई निज़ाम आ जाए जिससे ख़ासकर जो सफ़ेद पोश आदमी है वो खुशहाल हो। इस वक्त इस मुल्क में कोई आदमी भी खुशहाली की तरफ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी है। किसी भी शोबा में आप चले जाएँ, हर आदमी अपने बच्चों के लिए, रोटी के लिए फ़िक्रमंद है। हाजी साहब, मैं आपकी जो है ना जज्बात को एहसास करता हूँ, कि आप जिस दिल से बोल रहे हैं और निकासी कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत जो है बहुत मैंने महसूस की है मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। आप आगे भी दो दफ़ा आ चुके हैं, तो इसको से कैसे देखते हैं इस मोहब्बत को, हमदा शरीफ साहब की और आप? सर, बात यह है कि मोहब्बत हमारी सबसे पहले इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क की अवाम के साथ मोहब्बत है। हमें वो आदमी अच्छा लगता है जो हमारे इस पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर रोज़गार के मौके फराहम करें, इस मुल्क में खुशहाली के मतलब सोचें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। हमारी आज अगर मियां नवाज शरीफ ख़ानदान के साथ मोहब्बत है तो उसका ये सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम उनके साथ मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो इस पाकिस्तान की अवाम के साथ मोहब्बत करते हैं। जो आदमी इस पाकिस्तान की अवाम के साथ मोहब्बत करेगा, हम इंशाल्लाह उसके साथ मोहब्बत करेंगे। सर, एक और आप ताज लीडर हैं, तो क्या देख रहे हैं सर, जो नैब ऑर्डिनेंस आया है इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे खान साहब ने भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, ताजर दोस्त बैठे थे, कि अब आपको खुशहाली मिल गई, तो इसमें कुछ खुशहाली नज़र आती है आपको? सर, ये बातों की हद तक तो ठीक है, जब खुशहाली नज़र आएगी वो मुझे भी नज़र आएगी, आप लोगों को भी नज़र आएगी, पूरे पाकिस्तान की अवाम को नज़र आएगी। अभी तक तो सिर्फ ये बातें हैं और दावे हैं, कोई खुशहाली अभी तक हमने देखी नहीं है। जब देखेंगे इंशाल्लाह इस हुकूमत को अप्रिशिएट करेंगे, मगर आज तक जब तक ये जब से ये हुकूमत आई है मादरे वजूद में, हमने कोई इस तरह के इनसे कोई अच्छा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे नहीं लिया जिससे मुल्क की को बेहतरी और मुल्क की अवाम की के लिए कोई बेहतर काम किया हो इन्होंने। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया। यूनस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, पेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314448।